नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों के और रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। भारतीय डाक विभाग दिल्ली ने 233 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 26 फरवरी आवेदन की आखिरी तारीख। नीतीश सरकार देने जा रही है बिहारवासियों को बड़ी सौगात। सड़क हादसे में घायल लोगों का होगा मुफ्त इलाज। योगी सरकार को अकेले चुनौती देंगे नीतीश। यूपी में आरसीपी के बजाय इस बार त्यागी संभालेंगे कमान। बिहार में 1000 मालियों की होगी नियुक्ति। 25,000 से ज्यादा होगा मासिक वेतन। आज के इंजीनियर भी नीतीश सरकार के फैसले के विरोध में उतरे। जबरन रिटायरमेंट को अत्याचार बताया। बिहार में 1,00,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में। खत्म हो सकती है सेवा। नल जल योजना की जानकारी नहीं रखने वाले इंजीनियरों पर गिरी गाज। पीएचईडी ने रोका वेतन। कोरोना काल में रोकी गई दरोगा की ट्रेनिंग फिर से शुरू होगी। कोविड टेस्ट कराना होगा जरूरी। पटना के 4 प्राइवेट अस्पतालों में 30 जनवरी से लगेगा कोरोना वैक्सीन। 16 अन्य सरकारी अस्पताल भी जुड़ेंगे। बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ता परेशान। रिचार्ज करते ही काट लिया जा रहा है बकाया। खबरें विस्तार से। भारतीय डाक विभाग दिल्ली ने ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम और एबीपीएम के 233 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक कैंडिडेट्स इंडियन पोस्टल रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट www.appost.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 फरवरी तय की गई है। इन पदों के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन पदों पर चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इन पदों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स को 10वीं में मैथ, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी विषय में पास होना चाहिए। जरूरी शैक्षणिक योग्यता से ज़्यादा योग्यता रखने वाले कैंडिडेट्स को किसी तरह की वरीयता नहीं दी जाएगी। साथ ही कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो या 10वीं या 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा हो। बिहार की नीतीश सरकार बिहारवासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। अब राज्य में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाएगा। वैसे राज्य के सरकारी अस्पतालों में पहले से ही मुफ्त इलाज की सुविधा है, पर कभी कभी सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल जाने वाले घायलों को बिना इलाज किए ही रेफर कर दिया जाता है। इलाज में देरी के कारण पीड़ित की जान भी चली जाती है। सरकार की नई योजना लागू हो जाने के बाद सरकारी अस्पतालों को हर हाल में घायलों का इलाज करना होगा। हाल ही में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राज्य की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने यह जानकारी दी थी कि इस संबंध में जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया। जल्द ही नीतीश सरकार की यह योजना जमीन पर उतरेगी। बिहार में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। बिहार में बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड बिहार से बाहर अन्य राज्यों में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू ने पहले ही रणनीति तैयार कर रखी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी इस वक्त बंगाल के दौरे पर है। वह लगातार वहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक और पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने हैं और बंगाल को लेकर देश की सियासत गर्म है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब यूपी चुनाव में भी उतरने का फैसला कर लिया है। जेडीयू उत्तर प्रदेश में बीजेपी से अलग अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। नीतीश कुमार अपने बूते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को चुनौती देंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं होगा। इसके पहले साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी जेडीयू ने वहां अपने बूते किस्मत आजमाई थी। भवन निर्माण विभाग के उधान प्रमंडल पटना में इस साल करीब 1000 माली की बहाली होगी। इन्हें 25,000 से अधिक मासिक वेतन दिया जाएगा। समय समय पर इसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। इन मालियों की तैनाती पटना के सभी सरकारी भवनों में होगी। पार्कों की देखभाल और हरे भरे क्षेत्रों की देखभाल करने की जिम्मेवारी इनके ऊपर होगी। राज्य सरकार ने पिछले दिनों विभिन्न विभागों व सरकारी दफ्तरों में रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत भवन निर्माण विभाग में पहले 44 आर्किटेक्ट की नियुक्ति का फैसला किया गया है।
है। बता दें कि दो साल पहले 20 नवंबर 2019 को राज कैबिनेट ने 1000 माली के स्थायी पद सृजित करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। एक बार फिर से इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत फिलहाल उधान प्रमंडल नियमावली बनाने में जुटा है। इस नियमावली को राज कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 50 साल की उम्र पार कर चुके अक्षम कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की राज्य सरकार ने कमेटी क्या बनाई, इसका विरोध शुरू हो गया है। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के बाद अब बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेसा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आड़ में सरकार अभियंताओं पर प्रशासनिक अत्याचार बंद करे। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आड़ में अभियंताओं पर प्रशासनिक अत्याचार बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भवन निर्माण विभाग में बिना किसी वाजिब कारण के 6 अभियंताओं को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई है, जिससे अभियंताओं में दहशत का माहौल व्याप्त है। बेसा इन अभियंताओं की विभाग में वापसी की मांग करता है। अगर सरकार का अभियंताओं के प्रति इस तरह के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अड़ियल रवैया जारी रहा तो संघ आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर रहेगा। राज्य सरकार ने एक तरफ जहां 90,000 नए शिक्षकों के नियोजन की तरफ कदम बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के लगभग 1,00,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा हो गया है। राज्य में साल 2006 से 2015 के बीच से नियोजित हुए इन शिक्षकों ने अपने प्रमाण पत्रों को साझा नहीं किया है। शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के साथ साथ उनके वेतन की भी वसूली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षकों के पत्रों की जांच के मामले में सख्ती बढ़ाई गई है। राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे खुद अपना प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करें, लेकिन अब तक 1,00,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने ऐसा नहीं किया है। प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों को लेकर विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसे करीब 1,03,000 शिक्षकों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी, जिनके प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो पाई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रखंड एवं नियोजन इकाई के स्तर पर शिक्षकों की सूची अपलोड की जाएगी। साथ ही साथ इन सभी को एक तय समय सीमा के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्र और नियोजन पत्र की पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। अगर शिक्षकों ने यह काम नहीं किया तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और साथ ही साथ वेतन वसूली की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल की उपलब्धियों की जानकारी नहीं रखना पीएचईडी के इंजीनियरों को भारी पड़ गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के दर्जनों इंजीनियरों पर योजना की जानकारी नहीं रहने के कारण कार्रवाई की गई। जी हां, विभाग ने ऐसे इंजीनियरों का वेतन रोक दिया है जिन्हें हर घर जल का नल योजना की उपलब्धियों की जानकारी नहीं है। हाजीपुर अवर प्रमंडल के सभी एक अन्य और सहायक अभियंताओं का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। यह आदेश विभाग के अभियंता प्रमुख विशेष सचिव दयाशंकर मिश्र ने दिया है। दरअसल पिछले दिनों हाजीपुर अवर प्रमंडल की हर घर नल की जल योजना की समीक्षा की गई थी। इसके बावजूद मौजूद सभी सहायक और कनीय अभियंताओं के विभाग के बड़े अधिकारियों ने पूछा था कि उनके क्षेत्र में इस योजना के तहत कितने घरों में पेयजल का कनेक्शन दिया गया। अधिकारियों ने इन सवालों को किसी के पास से सही जवाब नहीं था। विभाग ने इसी मामले को लेकर लापरवाही मानते हुए इंजीनियरों के खिलाफ एक्शन लिया है। कोरोना महामारी के दौर में बिहार पुलिस के दरोगा की ट्रेनिंग रोक दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से दरोगा की ट्रेनिंग शुरू होगी। हालांकि प्रशिक्षु दरोगा को कोरोना टेस्ट के बाद ही ट्रेनिंग में शामिल होने दिया जाएगा। आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही उन्हें ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रशिक्षु दरोगा को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि ट्रेनिंग के पहले आरटीपीसीआर टेस्ट के अलावा किसी दूसरे जांच को मान्यता नहीं दी जाएगी। दरअसल 2018 बैच के प्रशिक्षु दरोगा की ट्रेनिंग राजगीर स्थित पुलिस एकेडमी में हो रही थी। इसी दौरान देश में कोरोना वायरस फैला और कोरोना ट्रेनिंग के दौरान ना फैले, इसीलिए मार्च 2019 में ट्रेनिंग को रोक दिया गया था। ट्रेनिंग स्थगित करने के बाद प्रशिक्षु दरोगा को उनके जिलों में व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए प्रयुक्त किया गया था। अब दोबारा इन सब की बेसिक ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए सभी को कोविड-19 टेस्ट कराने के बाद और निगेटिव होने पर रिपोर्ट के साथ अकादमी पहुँचने का निर्देश दिया गया है।
राज्य के अंदर कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए सरकार ने अब बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के मुताबिक अब पटना के 4 प्राइवेट अस्पतालों में भी शनिवार यानी 30 जनवरी से स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का टीका लगेगा। इसके साथ ही 16 अन्य सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। राजधानी पटना के जिन प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 30 जनवरी से होगी उनमें मेदांता, साई, शांति हॉस्पिटल राजेंद्र नगर और राजेश्वर हॉस्पिटल शामिल है। शनिवार से पटना में कुल 37 जगहों पर कोरोना की वैक्सीन लगने लगेगी। इसके बाद इस अभियान के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। पहले चरण में फ्रंटलाइनर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद बाकी लोगों की बारी आएगी। फ्रंटलाइनर को वैक्सीन दिए जाने के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक 74,000 से ज़्यादा फ्रंटलाइनर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 31 जनवरी तक इनके रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। बिजली कंपनियों ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के घरों और कार्यालयों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान छेड़ रखा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के अभियान में राजधानी पटना के अंदर तेजी लाई गई है, लेकिन नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा रहा है। दरअसल प्रीपेड मीटर लगने पर पोस्टेड मीटर का बकाया बिल 300 दिनों में किस्त के तौर पर लेने का प्रावधान है, लेकिन प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कराते ही बिजली कंपनी द्वारा पूरी बकाया राशि काट ली जा रही है। उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही है। रिचार्ज के साथ ही बकाया बिल काटे जाने से उपभोक्ता परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक उनके प्रीपेड स्मार्ट मीटर में इतना पैसे कैसे कट गया। इसके बाद उनका कार्यालय का चक्कर लगाने का काम शुरू हो रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं ने बिजली कंपनी के ऑफिस में शिकायत दर्ज की है, लेकिन अब तक उन्हें साफ साफ जवाब नहीं मिल पाया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।